वेलकम बैक टू द चैनल। सो एनआईडी के बैचलर्स और मास्टर्स के फॉर्म लाइव हो चुके हैं, आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। इन फॉर्म्स की लास्ट डेट जो है फिल करने की वो 1 दिसंबर 2023 है। 1 दिसंबर 4 बजे तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो आपको साइट पे जाना है admissions.nid.edu। उस साइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको साइनअप पे क्लिक करना है। एक ऐसा पेज ओपन होगा। सपोज़ मैं बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन पे क्लिक किया। नेशनैलिटी इंडियन है। सपोज़ मेरी जो भी कैटेगरी है, सपोज़ जनरल। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है। इस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आप अपनी कास्ट कैटेगरी चेंज करते हो, सपोज़ मैंने पहले जनरल फिल किया और अभी मुझे उसको जनरल EWS में चेंज करना है, तो फिर जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, पे कर दिया है ऑलरेडी, वो मेरा रिफ़ंड नहीं होगा। यहीं पे लिखा है नो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस फीस विल बी मेड इन केस ऑफ एनी कैटेगरी चेंज। और अगर आपको अपना फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो एडिट विंडो कब से कब तक ओपन है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको मैंने ओके कर दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास नीचे पूरा फॉर्म एज इट इज़ जैसे आप देख सकते हो अवेलेबल है। अब ये दोनों बॉक्स मुझे टिक करने हैं और जब मैं गेट OTP पे क्लिक करूँगी तो जो रजिस्टर्ड नंबर है मेरा उस पर मेरा OTP आ जाएगा और आपका जो भी स्टूडेंट पोर्टल है वो रेडी हो जाएगा। फिर आप फर्दर फॉर्म फिल करना, पेमेंट करना, आप ये चीज़ें कर सकते हो। सेम विद मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन के कैंडिडेट भी अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस से उनको भी गो थ्रू करना है। मूविंग टूवर्ड्स NID BDES के इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 8 सितंबर 2023 से अवेलेबल है टिल 4 बजे तक। 1 दिसंबर 4 बजे तक ये फॉर्म अवेलेबल है। अगर आपको लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करना है तो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 दिसंबर को 6 बजे से 4 बजे तक, 3 दिसंबर के 4 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। कई बार लास्ट डेट करते 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 एक्सेस फीस हम क्यों ही दें, क्योंकि एक्सेस फीस भी अभी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। एडिट विंडो जो है आपकी वो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ओपन रहेगी। उसमें अगर आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर कुछ चेंज करना है तो आपको चेंजेस रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्रीलिम्स के आपके 12 दिसंबर को आपके NID स्टूडेंट पोर्टल पे विजिबल हो जाएंगे 4 बजे से। इस बार हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 24 दिसंबर को होगा BDES का इन प्लेस ऑफ जनवरी। 24 दिसंबर को संडे को हमारा एग्ज़ाम होगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 4 बजे 28 मार्च 2024 को। अगर आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में रीचेकिंग की ज़रूरत है तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं 28 मार्च से 30 मार्च के बीच में। 30 मार्च 4 बजे तक आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका जो एडमिट कार्ड मेंस का है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 4 बजे से 14 अप्रैल को। 4 बजे से आप अपना मेंस का एडमिट कार्ड यानी स्टूडियो टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डाट का मेंस का एग्ज़ाम 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को होगा। ये आपका NID के कैंपस में होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप जैसे जिस भी सिटी में है, सपोज़ अभी जैसे मैं सूरत में हूँ तो अगर मैंने सूरत सिटी डाली तो मुझे अपनी सिटी में ही जहाँ पे भी होगा वहाँ पे प्रीलिम्स का, जहाँ पे भी सेंटर फॉल करेगा वहाँ पे मुझे जाके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होगा। बट मेंस का एग्ज़ाम जो कि हमारा स्टूडियो टेस्ट होता है वो हमारा NID कैंपस में होगा। अब यहाँ पे आपको अपना कैंपस प्रेफरेंस अगर फिल करना है तो फिर डैट का मेंस का रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 21 मई ट्यूसडे को। अगर आपको लगता है आपको अपने डैट के मेंस की कॉपीज़ को रीचेकिंग करवाना है तो 21 मई से लेके 22 मई 2024 तक आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 21 मई से लेके 23 मई के बीच में आपको अपना सबमिशन करना होता है, सबमिशन करना है आपके NID बैचलर्स कैंपस प्रेफरेंसेस के लिए। फिर उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर असाइन हो जाता है, आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आपको NID के रिस्पेक्टिव जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वो सारा प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं
NID बैचलर्स की एलिजिबिलिटी के लिए। तो NID बैचलर्स में इस बार उन्होंने एज इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो जो हमारी लास्ट ईयर एज थी वही इस साल भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी और जनरल EWS कैटेगरी से हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ ऑन या फिर आफ्टर 1 जुलाई 2003 है वो एलिजिबल है। जो स्टूडेंट्स OBC NCL SC ST कैटेगरी से हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ ऑन या फिर आफ्टर 1 जुलाई 2000 है तो वो भी NID बैचलर्स एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है, अगर आप 2024-25 में अप्लाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए फॉर द एकेडमिक ईयर, अगर आप 12th अपीयर हैं अपीयरिंग हैं या फिर 12th पास कर लिया है आपकी किसी भी स्ट्रीम से, साइंस आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़, आप एलिजिबल हैं, और किसी भी बोर्ड से तो भी आप एलिजिबल हैं। मूविंग टूवर्ड्स NID बैचलर्स की एग्जामिनेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो फिर जनरल कैटेगरी, जनरल EWS, OBC, NCL इन सब की फ़ीस है 3000। अभी इसमें लेट फ़ी ऐड नहीं है, लेट फ़ी ऐड होके इसमें 1500 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये फ़ीस हो जाएगी आपकी 4500। SC ST, जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, ST PWD, SC PWD इन सब की फ़ीस है 1500। अगर आप में एप्लीकेशन फ़ीस और लेट फ़ीस ऐड हो जाएगी तो ये फ़ीस हो जाएगी 2250 रुपये। ओवरसीज़ स्टूडेंट्स, उनकी फ़ीस है 5000, अगर आपका लेट फ़ीस लग जाता है तो वो हो जाएगी 7500। तो ये थी हमारी फ़ीस इंफॉर्मेशन। अब मूविंग टूवर्ड्स NID मास्टर्स, तो NID मास्टर्स की भी एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स सेम रहेंगी, 8 सितंबर से फॉर्म विजिबल है, 1 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका लेट एप्लीकेशन आपका हो जाता है तो आप 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 4 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको अपने फॉर्म में कोई चेंजेस करने हैं तो 5 से 7 दिसंबर के बीच में आप अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। आपका जो डैट प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड्स हैं वो 12 दिसंबर को विजिबल हो जाएंगे, 12 दिसंबर को आपके स्टूडेंट पोर्टल NID स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाएंगे, और आपका भी डैट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 24 दिसंबर संडे को होगा, पर आपका रिजल्ट 16 फरवरी को आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपना डैट प्रीलिम्स का रिजल्ट रीचेक करवाना है तो 16 फरवरी को आप अप्लाई कर सकते, 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 फरवरी के 4 बजे तक रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड मेंस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं 22 फरवरी को आपके NID स्टूडेंट पोर्टल पे। अब आपका डैट का मेंस का एग्ज़ाम 3 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में कॉन्जिक्यूटिव आपकी डोमेन्स के साथ कौन से NID के कैंपस में ये एग्ज़ाम होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको NID स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाएगी लॉगिन करने के बाद। डैट मेंस का रिजल्ट आपका 30 अप्रैल को आ जाएगा, 30 अप्रैल को 4 बजे, और अगर आपको लगता है आपको रीचेकिंग करानी है अपने डैट मेंस की तो आप उसके लिए 30 अप्रैल से लेकर 2 मई 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं NID के पोर्टल पे। इसके बाद आपकी प्रोविजनल ऑफ़र लेटर आपको असाइन हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक होंगे, आपके सीट अलॉटमेंट 4 जून से स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपकी फुल फीस सबमिट हो जाएगी। तो ये था आपका जो टेंटेटिव डेट्स हैं आपके एग्जामिनेशन की। मूविंग टूवर्ड्स कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं NID मास्टर्स के लिए, NID मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी या जनरल EWS कैंडिडेट्स जिनका बॉर्न डेट ऑन या फिर आफ्टर 1 जुलाई 1992 है वो एलिजिबल हैं। OBC, OBC, NCL, SC, ST कैटेगरीज स्टूडेंट्स जिनका बर्थ ऑफ डेट 1 जुलाई 1989 या फिर उसके बाद का है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर बात करें तो अगर आपकी 4 ईयर्स की डिग्री है जिसमें आपका कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बैकलॉग नहीं आया है और आपकी डिग्री 30 जून 2024 तक फिनिश हो जाती है तो आप NID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा है 4 साल का, वो भी इन 4 स्पेसिफिक फील्ड में, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर आफ्टर 12th, तो भी आप NID MDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ है कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए डिप्लोमा में।
अगर आपकी बैचलर डिग्री है मिनिमम 3 साल की, तो फिर आपकी डिग्री अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो रही है या कंप्लीट हो चुकी है अगस्त 2023 में, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये प्रोटोकॉल है, ये वाला प्रोटोकॉल है कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर बैचलर डिग्री और फुल टाइम डिप्लोमा, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ एवर सच कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड इफ ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन, अगर उनको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाता है तो वो अपना रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन या फिर बिफोर 31 जुलाई 2024 दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है ये आपका 4 ईयर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। 3 ईयर डिग्री के नीचे उन्होंने कंडीशन में स्पेशली मेंशन कर दिया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द 3 ईयर बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन बाय ऑगस्ट 2023। इन प्लस ऑफ दिस, इस बार के फॉर्म की फ़ीस क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, जनरल EWS, OBC, NCL, अगर आप एक डिज़ाइन डोमेन फिल कर रहे हैं तो 3,000 है आपकी फ़ीस। अगर आप दो डिज़ाइन डोमेन फिल कर रहे हैं तो 6,000 है आपकी फ़ीस। अगर आप लेट सबमिशन कर रहे हैं फ़ीस का एक डोमेन के साथ तो 4,500 है फ़ीस, और अगर आप लेट सबमिशन कर रहे हैं फ़ीस के साथ दो डोमेन का तो फिर 9,000 है आपकी फ़ीस। बाकी SC ST जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD, ST PWD, आप लोगों की फ़ीस एक डोमेन की 1,500 है, दो डोमेन की 3,000 है, और अगर आप एक डोमेन में लेट फीस फिल कर रहे हैं तो 22,500 है, और दो डोमेन के साथ लेट फीस फिल कर रहे हैं तो 4,500 है। ओवरसीज़ की फ़ीस एक डोमेन की 5,000 है, दो डोमेन की 10,000 है। एक डोमेन की फ़ीस ओवरसीज़ की अगर आप लेट सबमिशन कर रहे हो लेट फ़ी तो 7,500 है, और अगर दो डोमेन के साथ आप लेट सबमिशन फ़ी कर रहे हो तो 15,000 है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिएगा। साइट ये रही admissions.nid.edu। प्लीज़ 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 लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं रिगार्डिंग NID का, GK जो होता है, NID में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स की, तो वो सारी चीज़ें चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।